कंपटीशन के दौर में ग्राहक को संतुष्ट करना बहुत ही कठिन काम है। ग्राहक को संतुष्ट करने से भी ज़्यादा कठिन काम है ग्राहक को अपने पास रिटेन रखना। तो इस दौर में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की कंपनियां क्या करती है कि लीन सिक्स सिग्मा के टूल के द्वारा अपने प्रोसेस के वेरिएशन को कम करती है, प्रोसेस के वेस्ट को कम करती है और अपनी कम से कम पैसे में प्रोडक्ट को बना करके अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना करके ग्राहक को संतुष्ट करती है ताकि वो कुछ प्रॉफिट भी कमा पाए और ग्राहक भी संतुष्ट हो पाए। ये टूल कोई नया नहीं है, इससे भी पहले क्वालिटी बहुत सारे टूल यूज हुए हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया भी है कि लीन टूल सिक्स सिग्मा का हिस्ट्री के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स यूज हुए थे जो अभी तक चले आ रहे हैं या फिर उनका यूज होना बंद हो गया है। जैसे कि आप देखिए 1979 में क्वालिटी सर्कल ईजाद हुआ, उसमें क्या होता है कि एक टीम होती है वो एक प्रोडक्ट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर कर करके उस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद कुछ रूट कॉज निकलते हैं। रूट कॉज कहने का मतलब यह है कि एक मेन कारण, उस प्रॉब्लम का एक मेन कारण आता है और उस मेन कारण पे हम फिर एक्शन लेते हैं, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस तरीके से हम नए नए प्रॉब्लम लेते लेते सॉल्व करते रहते हैं, उसको एक क्वालिटी सर्कल की टीम कहते हैं। देन उसके बाद एक 1980 में SPC आया। SPC क्या है कि हम अपने प्रोसेस के जो डेटा है उसको एक ग्राफ पे रखते हैं, उससे हमें प्रोसेस का बिहेवियर पता चलता है कि वो उसमें कुछ कॉमन कॉज वेरिएशंस हैं या कोई एबनॉर्मल वेरिएशंस हैं। यदि एबनॉर्मल वेरिएशंस हैं तो हम उसे पहले सॉल्व करते हैं, यदि कॉमन वेरिएशंस हैं तो उसके एक्यूरेसी को हम बढ़ाते हैं और उस पर कुछ एक्शन लेकर के सही करते हैं। देन 1987 में ISO आए। ISO क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इन्होंने कुछ स्टैंडर्ड बनाए, कुछ मानक बनाए कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें फॉलो होनी ही चाहिए। उस मानक पे है यदि हम अपने कायम रहे और उसको यूज करते रहे तो हम अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को ज़रूर अचीव कर पाएंगे और कम से कम दाम में अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे और एक हमारा जो प्रोसेस होगा वो स्टैंडर्डाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में हमारा काम करता रहेगा। देन हमारा आया 1996 में री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट ये था कि आपकी प्रोसेस, आपकी जो लाइन है वो यदि वर्क करते करते ज़्यादा वेरिएशंस, ज़्यादा प्रॉब्लम और ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग कॉस्ट हैवी कॉस्ट होने लग गया तो आप उसको री इंजीनियरिंग कीजिए, मतलब लाइन को पूरी क्लियर कर लीजिए, प्रोसेस को पूरा हटा दीजिए और उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट कीजिए और इससे आपके प्रोसेस के वेरिएशंस, प्रोसेस के लॉसेस ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, ये ज़्यादा नहीं हमारे यूज़ में आया, क्यों, क्योंकि इसमें हैवी कॉस्ट था, हैवी टाइम थी और हम उतना समय नहीं बचता कि हम अपने फैक्ट्री को या अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करके री इंजीनियरिंग करें हर बार। देन दूसरी आती है बेंचमार्किंग जो है वो अभी हम भी अभी यूज हो करते आ रहे हैं। जैसे कि किसी दूसरे प्रोसेस में बेंचमार्किंग एज पर आप समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, मतलब कि किसी दूसरे लाइन पे यदि हमने कोई चीज़ अच्छा काम किया है तो उसे बेंचमार्क मान कर करके हम अपने लाइन पे भी, अपने प्रोसेस में भी, अपने फैक्ट्री में भी वो काम करते हैं। दूसरे फैक्ट्री में कोई अच्छा काम हुआ है तो उस अच्छे काम को हम अपने फैक्ट्री में भी करते हैं, उसको हम एक बेंचमार्किंग कहते हैं कि हाँ, या फिर ऐसा करते हैं कि किसी लाइन या प्रोसेस में कोई प्रोडक्ट अच्छा साइकिल टाइम से प्रोडक्ट बना या फिर ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट हुआ तो उसको हम एक बेंचमार्किंग मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको हम बना लेते हैं। देन है बैलेंस स्कोर कार्ड। 1990 में ज़्यादा बैलेंस स्कोर कार्ड, इसमें क्या था कि हर एम्प्लॉय के एक स्कोर कार्ड दिया जाता था। स्कोर कार्ड मीन्स उसके KPI के कुछ सर्टेन टारगेट होते थे, KPI कुछ होती थी, उसका सर्टेन टारगेट होता था और टारगेट पे मॉनिटरिंग जो अभी भी हमारी चली आ रही है। देन उसके बाद इन सारे टूलों के बाद जैसे कि SPC चलता आ रहा है, 9001 चलता आ रहा है, देन उसके बाद हमारा बेंचमार्किंग बैलेंस स्कोर कार्ड भी चलता आ रहा है अभी भी, हमारे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये सारे सपोर्टिव क्वालिटी टूल्स हैं। उसके बाद हमारे जो मोस्ट पॉपुलर हुआ वो लीन सिक्स सिग्मा टूल्स जो है वो मोस्ट पॉपुलर टूल्स है हमारे प्रोसेस के कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के लिए, जिसमें हम अपने वेरिएशन को रिड्यूस करते हैं, हम अपने वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं और अपने प्रोसेस को फास्टर करते हैं और हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है और कम दामों में मिलता है।
तो अब हम देखेंगे कि लीन सिक्स सिग्मा में टोटल 26 टूल्स हैं। अब इन 26 टूल्स को आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि ये 26 टूल्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है एट वेस्टेज। एट वेस्टेज तो आप लोग सभी जानते हैं, पहले सेवन वेस्टेज था, अब उसमें एक वेस्ट ऐड हो गया। जैसे कि आप टीम वुड, टीम वुड है, आप समझते होंगे कि टीम वुड है टीम वुड्स, ये एक आठवां ऐड हुआ। इसमें होता था ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग, डिफेक्ट्स, और ये आठवां ऐड हुआ अनयूटिलाइज्ड स्किल। अभी देखते हैं कि कंपनियों में कुछ ऐसे भी पर्संस हैं या किस ऐसे भी ऑपरेटर या लाइन लीडर्स हैं जिनके पास स्किल्स अच्छा है, लेकिन हम उनसे काम नहीं ले पाते। तो उनसे काम लेना भी एक अनयूटिलाइज, काम ना लेना भी एक अन वेस्टेज है। ठीक उसी तरीके से हम काइजन के बारे में समझते हैं। काइजन क्या है? काइजन एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, जिसमें हम एक जापानीज वर्ड है काई प्लस जेन। काई का मतलब होता है चेंज और जेन का मतलब होता है फॉर बेटर, चेंज फॉर बेटर। हम अपने शॉप फ्लोर में, हम अपने प्रोसेस में कुछ छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करते हैं जिससे कि हमारा प्रोसेस धीरे धीरे करके रोबस्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसको हम काइजेंस कहते हैं। देन आता है सिंगल पीस फ्लो। सिंगल पीस फ्लो क्या है कि आपके स्टेशंस हैं, अलग अलग स्टेशंस हैं जिस पे आपका काम चल रहा है, तो यदि आप एक पार्ट को फ्लो करेंगे, एक ऐसा प्रोसेस जिस पे सिर्फ एक ही पार्ट एक बार में काम चल रहा होता है, इसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि मिक्सअप नहीं है, जैसे कि रिजेक्शन नहीं बन पाता है, वेटिंग, मटेरियल की वेटिंग, मशीन की वेटिंग, मैन की वेटिंग ख़त्म हो गया। तो ये जो जस्ट इन टाइम है, हमारा जो प्रोसेस है जस्ट इन टाइम और लीन मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जो सिंगल पीस फ्लो है वो बहुत ही रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें वेस्ट रिडक्स हो जाता है। फिर हम बात करते हैं जीदोका की। जीदोका जो है वो ऑटोनोमेशन है। जीदोका मतलब हम कहते हैं ऑटो नो मोशन, मीन्स हम समझते हैं कि जीदोका में ऑटो प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक तो होगी बट मोशन उसमें नहीं होगा। मतलब कि एक छोटे छोटे, जैसे कि हम कोई सेंसर लगा दिए, कहीं अलार्म लगा दिए, कहीं पे बजर लगा दिए, तो वो जो हमने प्रोसेस में ऐड किया, जो हमें कोई विजुअल आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, विजुअल नोटिफिकेशन दे रहा है, या हमें अलार्म कर रहा है, या हमें आगाह कर रहा है, तो वो ऐसे छोटे छोटे जो इन्वेंशन है, जो छोटे छोटे जो ऑटोमेशन है, उसको हम जीदोका कहते हैं। फिर आता है पोकायोके। पोकायोके एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है एरर प्रूफिंग। हमारे प्रोसेस में कभी कोई गलती से भी गलती ना हो, उसके लिए हम कुछ मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल पोकायोका लगाते हैं, उसको हम गलती से भी गलती ना होने के लिए कुछ काइजेंस करते हैं, उसको हम पोकायोका कहते हैं। देन हम विजुअल मैनेजमेंट। विजुअल मैनेजमेंट से हम ये समझते हैं कि अभी हमारे मशीन पे कुछ यहाँ मशीन पे जो काम हो रही है वो खतरे का काम है, तो हमने डेंजर लगा दिया विजुअल साइन। हमें लेफ्ट से जाना है, राइट से जाना है, वर्क इन प्रोग्रेस, और प्लांट में आपके प्रोसेस में कहीं पे भी आपके इजी मोशन के लिए, आपके इजी रीच के लिए, इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यदि कोई विजुअल मैनेजमेंट या बोर्ड, साइन बोर्ड या साइनेज लगा हुआ है, तो उसको हम विजुअल मैनेजमेंट में जानेंगे। कानबान पुल सिस्टम क्या है? कानबान जो है एक प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करने का एक सिस्टम है, जिसमें हम पुल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। पुल सिस्टम में क्या होता है कि कस्टमर को जब पार्ट बनानी होती है, सपोज कस्टमर को 10 गाड़ी बनानी है, तो वो हमसे 10 गाड़ी के पार्ट का डिमांड करेंगे, देन वो सप्लायर से हम 10 गाड़ियों में लगने वाले जितने भी चाइल्ड पार्ट हैं वो हम डिमांड करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जब ज़रूरत पड़ा तभी हम एक्टिव हुए,
तभी हमने प्रोडक्ट बनाया। तो इससे क्या हुआ कि सिर्फ मशीन मटेरियल ऑन वर्क है, मैन मशीन और मेथड वो हमारा वेस्ट नहीं हो रहा, वो वर्क पे नहीं है। जब जब हमारा डिमांड आएगा तभी वो वर्क करेगा, मैन रेस्ट में है। तो इससे क्या होता है कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कभी किसी स्टेज पे प्रॉब्लम आ जाए, तो कहीं पे भी ह्यूज इन्वेंट्री नहीं बनी हुई है, जिससे हमें अपने प्रोसेस में बहुत बड़ा घाटा हो सके हो जाए। तो देन नेक्स्ट हमारा है 6 बिग लॉसेस ऑफ एनालिसिस। अभी हम देखते हैं कि हमारे प्रोसेस में ना कि बहुत सारे ऐसे लॉसेस हैं जो हम हिडन है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि आपका छोटे छोटे ब्रेकडाउन हो रहे हैं आपके प्रोसेसेस में, आपके प्रोसेसेस में हर घंटे कोई ना कोई रिजेक्शंस आ रही हैं जिसको आप रिवर्क कर करके सही कर रहे हैं, या उसमें आपने रिवर्क करना पड़ रहा है, या रीप्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, ओवर प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, या आपके मशीन्स छोटे छोटे ब्रेकडाउन दे रहे हैं, छोटी रिजेक्शंस आ रही हैं, या आपका पावर कट हो रहा है, और या आपके मैन पावर को मैन पावर की चेंजिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये लॉसेस जो हैं, ये लॉसेस हमारे 6 बिग लॉसेस हैं, इनको भी एनालाइज हमें करना है। इस लॉसेस में और भी चीज़ आते हैं, जैसे ट्रायल के पार्ट हैं, आपके सेटिंग के पार्ट हैं, आप डाई चेंज करते हैं, आप अपने मशीन चेंज करते हैं, आप अपना प्रोडक्शन शेड्यूलिंग चेंज करते हैं, उस चेंजिंग में और पार्ट सेटिंग में जो हमारे पार्ट रिजेक्ट होते हैं वो भी इस लॉसेस में आते हैं। वो पार्ट, वो मशीन जो उतनी देर इंगेज होती है, मैन पावर जो उतनी देर इंगेज होती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन होता है, वो सारे इस बिग लॉसेस में आते हैं, जिन्हें हम उस पर भी हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट टूल है हमारा लीन सिक्स सिग्मा का स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट गोल्स आप जैसे समझते हैं कि गोल मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या समझते हैं कि स्मार्ट जो है वो सबसे पहले है कि गोल जो है आपका स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका गोल मेजरेबल होना चाहिए, आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए, आपका गोल रिलेवेंट होना चाहिए, और आपके गोल में कुछ टाइम बाउंडिंग भी होना चाहिए। आप डिटेल आगे हम जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में। देन नेक्स्ट टूल है हमारा हिंजुका। हिंजुका एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ऐसे कि हर किसी प्रोसेस में या किसी असेंबली लाइन पे या किसी मशीन पे यदि डिमांड कस्टमर की डिमांड 1000 पार्ट की है और आपका मशीन कभी 10 पार्ट बनाता है, कभी 200 पार्ट बनाता है, किसी दिन 20 पार्ट बनाता है, किसी दिन 30 पार्ट बनाता है, तो आप अपने मशीन से कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वो 1000 पार्ट पर मंथ दे पाएगा या इससे ज़्यादा इन्वेंट्री बना देगा। तो ये तो आपका कभी किसी दिन मशीन आपका लॉस में दे रहा है, कभी किसी दिन गेन में दे रहा है। तो आपका प्रोसेस रोबोस्ट नहीं है, आपकी मशीन सही वर्क नहीं कर रही है। सपोज इससे इंस्टीट आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने प्रोसेस को बैलेंस कर सकते हैं, कि बैलेंस कर सकते हैं कि हमें 200 पार्ट पर डे चाहिए या 100 पार्ट पर डे चाहिए। आप इस तरीके से यदि आपने एक फिक्स कर लिया कि मुझे 100 पार्ट पर डे चाहिए, तो आप अपने मशीन को, आप अपने लाइन को, अपने असेंबली लाइन को आप बैलेंस कर सकते हैं, उस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और मैन मशीन मटेरियल मेथड के रिसोर्स के इस्तेमाल से आप ऑप्टिमल गेन कर सकते हैं। देन है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम आप समझ सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि कस्टमर जितना डिमांड करता है उतना ही हमें प्रोडक्शन करना है, और उसी समय प्रोडक्शन करना है, बाकी समय प्रोडक्शन नहीं करना है। जब उन्होंने मांगा जस्ट इन टाइम, जब कस्टमर का डिमांड आया उसी समय हमें सप्लाई करना है, ये जस्ट इन टाइम है। जस्ट इन टाइम के अंदर में ही हमारा ये सिंगल पीस फ्लो है और कानबान सिस्टम है, ये सारे लीन मैन्युफैक्चरिंग के जो सिस्टम है वो जस्ट इन टाइम दोनों रिलेवेंट है एक दूसरे से। देन हमारा है टेक टाइम। टेक टाइम ये है कि टेक टाइम हमें हमारे असेंबली लाइन के लिए टेक टाइम ध्यान में रखना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कस्टमर ने हमें पर डे हमारी जो वर्किंग है वो फिक्स है कि हमें ए पर डे कितने टाइम की वर्किंग है। सपोज कि हमारा पर डे 16 आवर की वर्किंग है और हमें हमसे डेली 200 पार्ट मांगा जा रहा है, तो 16 आवर इंटू 60 960 मिनट हैं हमारे पास और 200 पार्ट बनाने हैं, तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जितना आएगा वो हमारा टैग टाइम हो जाएगा।
और उसी टेक टाइम में हमें एक पार्ट बनानी होगी अपने कंपनी में। देन है बॉटलनेक एनालिसिस। आप ये समझते हैं कि आपके पास यदि कंपनी में और आपके फैक्ट्री में कोई 10 प्रोसेसेस हैं, तो कोई एक या दो प्रोसेसेस ऐसे हैं जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप उसको पैरेटो एनालिसिस के थ्रू 80-20 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में आप उसको एनालाइज करें कि क्या करना है कि हमारे 10 प्रोसेस हैं, उस प्रोसेसेस को आप पैरेटो चार्ट पे लिखें, जो मैक्सिमम दो प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है जिसके कारण जिस 20% प्रॉब्लम के कारण टोटल 80% आपका रिजेक्शन हो रहा है, तो उस पर आप एक्शन लीजिए। यही है हमारा बॉटलनेक एनालिसिस। इसमें हम ग्राफिंग करते हैं पैरेटो चार्ट के अकॉर्डिंग बॉटलनेक को, और इसको एनालाइज करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं अपने प्रोसेस के प्रॉब्लम को। देन है एंडन बोर्ड। एंडन बोर्ड ये है कि आपको आपके मशीन पे 7 पोकायोका है, तो एंडन बोर्ड पे शो कर रहा है कि आपके 7 पोकायोका काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो एक सिग्नलिंग सिस्टम है कि एक सिग्नल से आपको बता रहे हैं कि आपका प्रोसेस का परफॉर्मेंस कितना चल रहा है, मशीन का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, आपके पोकायोका सेंसर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो एक एंडन बोर्ड पे शो करता रहता है। तो एंडन बोर्ड वो होता है। देन गेम्बा। गेम्बा का मतलब ये है कि कभी भी आपको प्रॉब्लम आए ना, तो आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन ना लें, डेटा बेस्ड डिसीजन ना लें और गेम्बा करें। गेम्बा करने का मतलब क्या है कि आप एक्चुअल प्लेस पर जाएं और तब जा कर के डिसीजन लें वहाँ पे देख करके, ये गेम्बा है। देन हुसैन केंद्री। हुसैन केंद्री ये है कि जो आपके पास पॉलिसीज हैं, क्वालिटी पॉलिसीज हैं, सेफ्टी पॉलिसीज हैं या काम करने का इंस्ट्रक्शन है, उन सबको पॉलिसी को डिप्लॉयमेंट करें, लोगों को बताएं, कम्युनिकेट करें, ताकि वो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऑप्टिमल गोल जो है आपका उसको पाने में सहायक बने सारे। देन नेक्स्ट टूल है हमारा, नेक्स्ट टूल है OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अब देखिए कि किसी इक्विपमेंट का इफेक्टिवनेस कैसे निकलेगा, कि उसका परफॉर्मेंस कितना था, कितनी अवेलेबल टाइम थी और क्या उसने प्रोड्यूस किया। मतलब कि आप ये OEE ऐसे समझ सकते हैं, OEE ऐसे समझ सकते हैं कि अवेलेबल टाइम कितना था, क्यों ना कि उसके पास क्या मशीन की परफॉर्मेंस रही, गुना कितने क्वालिटी प्रोडक्ट उसने दिए, यही हमारा OEE निकलेगा जी। देन है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है आपका, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग लाइन है आपके पास, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो आप उसको सेलुलर कोई सेल में डिवाइड कर दे, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल। इससे क्या होगा कि आपकी मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी, आपके WIPs कम हो जाएंगे, आपके रिजेक्शन कम हो जाएंगे, आपका बल्की प्रोसेस नहीं रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने मैन्युफैक्चरिंग साइट को, आप अपने लाइन को सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लीन कर सकते हैं। देन है TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। ऐसा मेंटेनेंस जिससे कि हम अपने प्रोडक्टिविटी के गोल को और क्वालिटी के गोल को अचीव कर पाए। मतलब कि इसमें हमें मशीन को भी सही रखना है और अपने जो मेथड है उनको भी सही करके चलाना है मशीन को, और प्रोसेस के जो भी पार्ट हैं उन सबको भी सही रखना है। तो ये टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है जिसमें हमें पार्ट हो बनना पड़ता है अपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। देन अगला टूल है TQM, टोटल क्वालिटी। इसमें है कि हम अपने हर प्रोसेस के, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, चाहे वो सर्विस प्रोसेस हो कंपनी के अंदर में, चाहे वो मेंटेनेंस प्रोसेस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग प्रोसेस हो, जो रूल में लिखा है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो काम उसी तरीके से होना चाहिए, हर काम में क्वालिटी होना चाहिए। यही है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देन है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। अभी आप वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग मतलब कि आपके प्रोसेसेस में, ये आपका प्रोसेस है, अलग अलग स्टेशन्स हैं आपके, 10, 20, 30, 40, 50 अलग अलग ऑपरेशंस हैं। इसमें कौन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, कौन नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, नॉन वैल्यू एडेड है बट नेसेसरी है,
ये भी आइडेंटिफाई करना है। तो NBA, जो NBA हैं उनको एलिमिनेट करना है, जो NBA बट वेल नेसेसरी हैं उनको ऑप्टिमाइज करना है, कैसे कम कर सकते हैं, और वैल्यू एडेड एक्टिविटी को रिव्यू करना है। तो ये वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में हम अपने वैल्यू स्ट्रीम, मतलब कि जहाँ से हमें वैल्यू मिल रहा है, जहाँ से हमें अर्निंग हो रही है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और जहाँ से अर्निंग नहीं हो रही है उसको एलिमिनेट करना है, और जो नेसेसरी है लेकिन अर्निंग नहीं हो रही है उसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। देन SMED, SMED ये कहता है कि हम डाई चेंज करते हैं, हम अपने लाइन की प्रोडक्शन शेड्यूलिंग चेंज करते हैं, चेंज करने के समय में ट्रायल करना होता है, पार्ट सेटिंग करनी होती है, ओके पार्ट निकालते बहुत सारे रिजेक्शन हो जाते हैं, और डाई सेटिंग चेंज करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो ये लीन सिक्स सिग्मा में टूल का हमने आइडेंटिफाई किया है कि सिंगल मिनट में, मतलब कि 10 मिनट नहीं, सिर्फ 9 मिनट तक में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9 मिनट के अंदर में ही हमारा डाई चेंज होना चाहिए। इसके लिए हमें डिटेल में पढ़ेंगे आगे। देन नेक्स्ट टूल है हमारा KPI। KPI मतलब कि जैसे मैंने आपको स्कोर कार्ड बताया था कि हर एम्प्लॉय को कुछ उसके परफॉर्मेंस के एक KPI दिया गया है, उसके कुछ सर्टेन टारगेट हैं और उसको पूरे साल मॉनिटर करना होता है और उसको अचीव करना पड़ता है, और टाइम टू टाइम हम उस पर मीटिंग करते हैं कि कैसा उसका बिहेवियर चल रहा होता है, उसको हम KPI कहते हैं। उससे हमें मालूम होता है कि जो काम हो रहा है वो काम सही तरीके से हो रहा है, विद इन टारगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा होता तो हम उस पर सर्टेन बीच में ही एक्शन ले लेते हैं, बाद में जा करके सॉल्व नहीं होता है। तो हम रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही होती है KPI में। देन आप सब वेल नोन है 5S के थ्रू, सेरी सेसो सिकेसु सित्सुके, इसके बारे में शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइज सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये जो हम है ये हमारा वर्क प्लेस मैनेजमेंट है, कैसे हम अपने वर्क प्लेस को सही तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन है स्टैंडर्डाइज द वर्क, इसी का फोर्थ जो S है वही स्टैंडर्डाइज वर्क, ये टूल है, कोई जो काम हम कर रहे हैं उसको हमें स्टैंडर्डाइज कर देना है और उस काम को फिर बार बार करना है, जो लिखा हुआ है वो करना है और जो कर रहे हो उसे आपको रूल में लिखना है, यही स्टैंडर्डाइज वर्क है। देन है PDCA अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे हमें सारा स्टैंडर्ड इसी के ऊपर डिपेंड करता है, कि हमें पहले प्लान करना है, फिर डू करना है, फिर चेक करना है, फिर एक्ट करना है। इट मीन्स कि हाँ, कोई काम को करने से पहले हम प्लान करेंगे, फिर उस काम को करेंगे, उस काम को करने के बाद उसमें कुछ डेटा हमने मॉनिटरिंग किया, उस मॉनिटर डेटा को हम चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, उस एनालाइजिस करने के बाद हमें कुछ आउटकम्स निकलेगा, रूट कॉज निकलेगा, या कुछ प्रॉब्लम्स निकलेंगे, उस प्रॉब्लम्स पे हम कुछ रूल बना करके एक्शन लेंगे और फिर फॉलो करते रहेंगे। इस पूरे साइकिल को हम फॉलो करते रहेंगे, इसी साइकिल को हम लोग डेमलिंग साइकिल कहते हैं। डेमलिंग क्वालिटी गुरु जो अमेरिका से जापान गए हुए थे, जो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो जैसा कि हम समझ गए कि टोटल 26 टूल्स क्या क्या हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के, और आगे आने वाले वीडियो में हम इन सबको डिटेल कर देंगे। आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये सारी वीडियो डिटेल में आपको मिलती रहे। थैंक यू।